बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका है नंबर 4, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस। यानी एक फोर्स कौन सी है उसको टर्न की जाती है तो उसका क्या रिजल्ट होता है, यानी टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस, यानी इसको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील करके क्या अमल किया जाता है। अब सबसे पहले है लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब सबसे पहले क्या होते हैं पैरेलल फोर्सेस, क्या होती है फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच एन अदर आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। अब पैरेलल फोर्सेस क्या होती है, वो फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल होंगी वो क्या कहलाएंगे आपके पैरेलल फोर्सेस। सच फोर्सेस दैट पैरेलल ईच एन अदर आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सच फोर्सेस व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। यानी ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल होंगी क्या कहलाएंगे आपके पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। फर्स्ट क्या आपको एक बास्केट के अंदर, यानी एक थैले के अंदर आपने ये आपका एक बास्केट है, इसके अंदर आपने या भाई बास्केट है इसके अंदर आपने एप्पल रखे हुए हैं, यानी कुछ चीज़ें जो इसके अंदर रखी हैं, ये तमाम की तमाम फोर्सेज जो उनकी होती हैं ये डाउनवर्ड अमल करती होती हैं। फोर्सेज जो उनकी हैं ये तमाम की तमाम पैरेलल होती हैं, उसी के पैरेलल होती हैं, क्या कहलाएंगे आपकी पैरेलल फोर्सेज कहलाती हैं। ऑल द फोर्सेज सच फोर्सेज विच आर पैरेलल टू ईच एन अदर आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेज। अब अनलाइक और लाइक पैरेलल फोर्सेज क्या होती हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेज क्या होती हैं, पैरेलल फोर्सेज आर दैट, यानी लाइक पैरेलल फोर्सेज are the forces that are parallel to each another are called and have a same direction are called like parallel forces। yani aisi forces jo ek dusre ke parallel hoti hai aur inki direction jo unsi hai wo kya hoti hai same hoti hai wo kya kehlati hai parallel forces kehlati hai like parallel forces kehlati hai। like parallel forces kya kehlati hai, aisi forces जिनके डायरेक्शन जो सी है वो सेम होगी तो वो क्या कहलाएंगे लाइक। अब आप उसको ऊपर से खींचने हैं तो ये फोर्स जो सी है एप्पल जो सी है कोई जो सी है बास्केट होता है जो भी चीज़ पड़ी है इसका वेट जो सी है वो नीचे की तरफ अमल कर रहा होता है, क्या कहलाएंगे आपकी पैरेलल फोर्सेस के लाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाएंगे। इसमें अब एग्जाम्पल दे फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ वेट ऑन अ एप्पल एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड द टेंशन। अब ये देखो फर्स्ट क्या है, एक आपकी जो है फोर्स जो है अमल कर दिया, एक आपने स्ट्रिंग के साथ एक एप्पल को बांध दिया है, इसके साथ स्ट्रिंग के साथ आपने एप्पल को बांध दिया है, ये आप स्टैंड है, स्टैंड के साथ आपने रोप के साथ उनसे ये एप्पल को बांधा है, एप्पल जो है ये आपका यहाँ पर इसके जो है आपने बाइंड कर दिया है, टेंशन इस पे आ जाएगी और इसका वेट जो है आपको डाउनवर्ड अमल करेगा, द फोर्स एक्टिंग ऑन आर वेट ऑन द एप्पल्स एक्टिंग द वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स पुल द वर्टिकली अवर्ड, टू फोर्सेज आर अप्लाइड बट अपोजिट ईच एन अदर दीज फोर्सेज आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेज। इसमें मैंने पहले आपको मिसाल में दी थी, वो एक बॉक्स के अंदर उनसे आपने क्या किया कि एक बॉक्स के अंदर आपने कुछ चीज़ें रख दी हैं, उसका वेट जो है नीचे की तरफ अमल कर रहा होता है वर्टिकली कर रहा होता है, तो क्या कहलाती है आपकी लाइक पैरेलल फोर्सेज कहलाएंगी। और अनलाइक फोर्सेज में वो है क्या होगा कि एक अपवर्ड और दूसरी डाउनवर्ड जो सी है अमल कर रही होंगी तो क्या कहलाएगी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाएंगी। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल बट हैव डायरेक्शन अपोजिट इन ईच अनदर, यानी ऐसी फोर्सेस
जिनकी मिकदार जो सी है वो सेम होगी लेकिन इनकी डायरेक्शन जो सी है वो अपोजिट होगी। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल बट हैव अ डायरेक्शन अपोजिट ईच अनदर आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब ये तो अनलाइक और लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या थे, अब एडिशन ऑफ द फोर्सेस यानी एक से ज्यादा फोर्सेस को एडिशन क्या कैसे किया जाता है। A resultant force is a single force that are same effect of the combined effect of the all the forces are to be added. यानी addition forces में क्या किया जाता है कि ऐसी forces जो एक या एक से ज़्यादा forces को जब add किया जाए तो एक single resultant force आएगी, तो वो क्या कहलाएगी, addition of the forces। जिस तरह आप आमतौर पर addition and subtraction के question करते हैं कि एक 1 + 1 = 2, 2 + 3 = 5, 6 + 7 = 9, इन फोर्सेस को इस तरह आपने 7 + 5 क्या हो गया 12 आ गया आपके पास, 6 + 9 आपके पास 15 आ गया। इसको आप मैथमेटिकली इसको आप उनसे वो ऐड नहीं कर सकते, किसी भी फोर्सेस को आप मैथमेटिकल ऐड नहीं कर सकते। इनको ऐड करने के लिए ये खास असूल इस्तेमाल होता है, एक खास प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है जिसे हेड टू टेल रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, हेड टू टेल रूल। क्या कहता है आपका, हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या होता है, वन ऑफ द मेथड फॉर द एडिशन ऑफ द फोर्सेस इज ग्राफिकली मैथड। जैसे ग्राफिकली मैथड कहते हैं, इन दिस मैथड द फोर्सेस कैन बी एडिड बाई हेड टू टेल रूल। यानी आपने ग्राफिकल मैथड में इस्तेमाल करना है, इस ग्राफिकल मैथड को हेड टू टेल रूल कहा जाता है। इसका सबसे पहला तरीका क्या किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अ ग्राफिकल मैथड ऑफ ए वैक्टर्स एडिट फर्स्ट सेलेक्ट सूटेबल स्केल। फर्स्ट पॉइंट में आपने क्या कहते हैं, क्या करना है, सबसे पहले आपने एक स्केल लेनी है, सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल। उसके बाद नंबर टू आपने क्या करना है, ड्रॉ द ऑर्थो वेक्टर। क्या करना है आपने, ड्रॉ द वेक्टर ऑफ ऑल द फोर्सेस इसके बाद आपने क्या करना है, नंबर थ्री आपने क्या करना है, टेक वन ऑफ द वेक्टर एज फर्स्ट वेक्टर। नंबर थ्री, नंबर फोर आपने क्या करना है, देन ड्रॉ नेक्स्ट वेक्टर बी बी ड्रॉ करना है। किस तरह ड्रॉ करना है, सच एज फर्स्ट वेक्टर जो आपका ए, इसकी आपने टेल फर्स्ट आपकी इसकी जो सेकंड वेक्टर की आपने सच एज टेल लेनी है। किस पर, वेक्टर ए पर आपने इसके हेड पर आपने जो सी है इसको जोड़ देना है। इसी तरह आपने तमाम के तमाम ऑल द फोर्सेस और वेक्टर एडिंग करने हैं। और नंबर सेवन में आपको क्या होगा, लास्ट वेक्टर का हेड हेड
एंड फर्स्ट वर्कर का टेल, टेल को आपने कंबाइन कर देना है इस तरह से आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा और उसकी डायरेक्शन आपके फर्स्ट टू लास्ट उनसे वेक्टर पर मिल जाएगी। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, इसको एडिशन ऑफ द फोर्सेस कहते हैं। इसके एग्जांपल आपके हेड टू टेल रूल नाम आपको क्वेश्चन करेंगे, यानी हेड टू टेल रूल में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, एडिशन ऑफ द वेक्टर जो है वो आपने हेड टू टेल रूल के मुताबिक आपने इसको ऐड करना है। नंबर वन आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सूटेबल स्केल लेनी है, उसके बाद आपने डायरेक्शन लेनी है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, या आपने एक्सिस लेनी है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सिस, पॉजिटिव या नेगेटिव वाई एक्सिस लेने हैं, एक्स वाई एक्सिस लेने आपने। अब आपने किस तरह आप इसको ड्रा करना है, सबसे पहले आपने सूटेबल स्केल लेनी है, उस स्केल के मुताबिक तमाम की तमाम फोर्सेस को या वैक्टर को आपने ड्रा कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद आपने एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में ऐड करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर आपने ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद उसके ऊपर जो आपने सेकंड वेक्टर जो है ड्रॉ करना है, उसके क्या करना है, फर्स्ट की जो आपने हेड लेना है और सेकंड का आपको टेल लेना है, उसके तरह जोड़ते हुए अकॉर्डिंग टू द स्केल के मुताबिक जोड़ते हुए लेना है। इसी तरह तमाम के तमाम वैक्टर आपने ड्रॉ कर लेने हैं। रिजल्टेंट वैक्टर क्या होगा, लास्ट वैक्टर का हेड और लास्ट वेक्टर का हेड और फर्स्ट वेक्टर की टेल को जोड़ देना, वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। इस तरह एडिशन ऑफ द फोर्सेस यानी फोर्सेस या वेक्टर को किस तरह एडिशन किया जाता है। अ रिजल्टेंट फोर्सेस अ सिंगल फोर्सेस दैट द सेम इफेक्ट ऑफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द ऑल द फोर्सेस टू बी एडेड, यानी जो उनसे एडेड की जाती है उनका कंबाइंड इफेक्ट होगा वो क्या कहलाएगी, आपकी रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगी। अब इसके बाद आपका, अब ये तो था आपका एडिशन ऑफ द फोर्सेस, उसके बाद रिजल्टेंट रेजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस, यानी एक फोर्स को दो फोर्सेस में किस तरह कंपोनेंट में किस तरह आपने रिजॉल्व करना है, परपेंडिकुलर। अब रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या होती है, स्प्लिटिंग ऑफ द फोर्स, स्प्लिटिंग ऑफ द फोर्स इंटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट आर कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, यानी एक फोर्स को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट में डिवाइड करना जो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहलाता है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, रेजोल्यूशन स्प्लिटिंग अप ऑफ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ दैट फोर्स। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट फर्स्ट क्या है, आपके फोर्स कौन सी है, इसे आपने डिवाइड किया है इसके कंपोनेंट में, ये कंपोनेंट हमसे क्या कहलाएंगे आपकी, ये कंपोनेंट आपके कहलाएंगे, ये आपका वाई एक्सिस की तरफ है, ये आपका एक्स एक्सिस की तरफ है, ये एफ एक्सिस और ये वाई एक्सिस, के क्या कहलाएंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इफ अ फोर्स फ्रॉम द फ्रॉम टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट देन सच कंपोनेंट आर कॉल्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यानी एक फोर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तब्दील कर दिया जाए तो वो क्या कहलाती है आपकी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहलाएंगे। कंसीडर अ फोर्स, या अब आपने फर्स्ट की आपकी फोर्स कौन सी है, एफ कौन सी फोर्स है, इंसान ही आपने इसको हाउ टू कंपोनेंट को जो है किस तरह आपने फर्स्ट क्या है आपके जो है आपकी एक फोर्स है आपकी है, ये एफ आपकी एक फोर्स है, ये इसके साथ थीटा ज़ाविया यानी कि आपके एक्स एक्स के साथ ये हमसे ये ज़ाविया बना लिया, ये एक आपका एंगल बना लिया जिसे आपने थीटा का नाम दे दिया। अब इसे जो है आपने क्या किया, इस फोर्स को जो है इसके कंपोनेंट में तब्दील कर दिया तो ये कंपोनेंट क्या कहलाएंगे, आज के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहलाएंगे। ये आपका
ओ, ये ए, ये बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी प्लस बी ए, ये आपका एफ वाई, ये आपका एक्स, ठीक है। सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी आपका परपेंडिकुलर आपका ये आपका हाइपोटेन्यूज कहलाता है, ये आपका कहलाता है बेस। हमें पता है पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, बी ए का स्क्वायर या परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या कहलाता है, ये आपका पैथागोरस थ्योरम है। पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इनटू बेस, हाइपोटेन्यूज आपका एफ यानी ओ बी, जब इसका यानी एफ बराबर आ जाएगा, ये इसमें आपका क्या है एफ बराबर आ गया एफ एक्स प्लस एफ वाई, यानी ओ बी आपका किसके बराबर है एफ एक्स के, ए बी या ओ बी बराबर क्या है ए वाई के, ये आपका क्या कराएंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट कराएंगे। वी नो हम जानते हैं कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इस्तेमाल करते हुए इसे आपने सॉल्व करना है, इसलिए आपसे आपको क्या होगा एफ एक्स और एफ वाई इज इक्वल टू ओ बी ओवर ओ ए, ये किसके बराबर आ गया कोस थीटा के, यानी एफ एक्स बराबर आ गया एफ कोस थीटा, ये आपका क्या आ गया एफ कोस थीटा, इसी तरह एफ वाई ओवर एफ इज इक्वल टू बी ओवर ओ ए, या आपका साइन थीटा के बराबर आ गया, यानी एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। जब एफ एक्स, इसी तरह आप तमाम की तमाम वैल्यू जो उनसे हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब डिटरमाइन द फोर्सेस इन परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यानी फोर्सेस को परपेंडिकुलर कंपोनेंट में किस तरह डिटरमाइन किया जाता है, और वो डिटरमाइन द फोर्सेस इन परपेंडिकुलर कंपोनेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इस तरह किस तरह स्टूडेंट से परपेंडिकुलर कंपोनेंट को डिफाइन करना है। फर्स्ट क्या है कि आपकी फोर्स है आपकी एफ, ओ आर पी
Consider fx and fy are the perpendicular component. मैंने फर्ज किया कि आपका fy और fx से उनसे आपके perpendicular component है. According to head to tail rule, OR is equal to OP plus PR. Thus, all the component यानी OR किसके बराबर है FK, OP किसके बराबर है FXK and PR किसके बराबर है आपके FY के. तो इसलिए आज क्या होगा F is equal to FX plus FY. According to the Pythagoras theorem, F square is equal to FX का square plus fy का स्क्वायर. तो f इसके बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट fx प्लस fy का स्क्वायर. डायरेक्शन के लिए आपने क्या करना है, इन डायरेक्शन tan theta इज इक्वल टू pr ओवर op यानी fy ओवर fx theta इज इक्वल टू tan इनवर्स fy over fx. इस तरह आपने इन कंपोनेंट्स को जो है आपने एक से दूसरे में जो है आपने कंपोनेंट करना है. नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपका नेक्स्ट अब इसी का दो टॉपिक अभी कह रहे हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिए गए जाएंगे इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच.